फिर मजीद फरमाया, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और बेटे ये जीती दुनिया का सिंगार है। तो एक आम आदमी को डायरेक्ट खिताब करके बता दिया कि तुम अपने माल पे बड़े फूल रहे हो और तुम अपने बेटों पे बड़े फूल रहे हो, तुम्हारे पास बेटे भी बहुत हैं, तो इसमें फूलने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में ज़िंदगी का साथ ही है, ये माल आखिरत में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, ये तुम्हारे बेटे जो आज तुम्हारे पीछे लगे हैं, तुम्हारे हुक्म के पीछे लगे हुए हैं, तुम्हारे हुक्म पे जो है हर कुछ करने के लिए तैयार है, ये आखिरत में तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। तो ये तो आम एक आदमी से खिताब है, यहाँ पे बेटों से मुराद मददगार भी लिए जा सकते हैं। तो दुनिया का माल और ये इख्तियार और ये जो फोर्सेज जो आज तुम्हारे हुक्म पर जो है फौरी तौर पर बाहर निकल के आ जाती है, हैं, ये तुम्हारे हुक्म पर रोड़ों को ब्लॉक कर देती है, ये हमेशा के लिए नहीं है तुम्हारे साथ, ये दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हारे काम आ जाएगी जब तक तुम्हारे पास चंद दिनों का इख्तियार है, तुम्हारे पास हुकूमत है, ये दुनिया की दिखावा है ये। आखिरत में जब अल्लाह के बारगाह में हाजिर रहोगे तो उस वक्त ना तुम्हारी तकरीरें चलेगी, ना तुम्हारी ताकत चलेगी, ना तुम्हारे ये फोर्सेस काम आएंगी, ना सोर्सेस काम आएंगी, ना मालो दौलत काम आएगा। वहाँ पर क्या चीज़ काम आएगी? ये वो चीज़ काम आएगी जो नामों से रिसालत के पहरेदारों के पास है, जो ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन के पास है। फरमाए कि अल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका तबाबन व खैरुन अमला, फरमाए कि और बाकी रहने वाली अच्छी बातें उनका सवाब तुम्हारे रब के यहाँ बेहतर और वो उम्मीद में सबसे भली है। तो मुराद ये कि बाकी रहने वाली चीज़ें कौन सी है? बाकी रहने वाली अच्छी बात है यानी नेकियां, नेक काम। और सबसे बड़ी नेकी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए किसी से नफरत करना, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी को देना और उन्हीं के लिए किसी को मना करना, तो ये सबसे बड़ी नेकी, इससे ईमान मुकम्मल होता है। इसलिए हदीस शरीफ में वाज़ह लफ्ज़ में आया, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमला ईमाना, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए नफरत की। तो तुमसे फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाले जाने के लिए जो कहा जा रहा है वो किसी की और की मोहब्बत में नहीं है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके रसूल की मोहब्बत में कहा जा रहा है कि उन्होंने हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनके लिए अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया और जिनकी इज्जत के ऊपर सब कुछ पूरी कायनात निसार की जा सकती है, उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। अगर तुम्हारे दिल में भी कोई ईमान होता, आज तुम अपनी ताकत को लेकर बैठे हुए हो, अगर तुम्हारे दिल में ईमान होता तो तुम किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम खुद आगे बढ़ कर ये काम करते, लेकिन तुम्हारे दिलों में ईमान नाम की चीज़ नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले तुमसे ये कह रहे हैं कि निकालो उन दुश्मनों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, उनको निकालो और उनसे अल्लाह रसूल के लिए नफरत करो, मगर तुम उसके लिए तैयार नहीं हो रहे, तुम लोग तरह तरह के हीले बहाने गढ़ रहे हो। तो यही बाकी आते सारे हाथ है जिसका कुरान ने जिक्र किया है, यही बाकी रहने वाली चीज़ें हैं, यही अच्छी बातें हैं जिनका अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहा है कि इनका ही बेहतरीन सवाब है और इसी के ऊपर भलाई की उम्मीद की जा सकती है। और वैसे तो एक मफहूम ये है कि जनरल कोई भी नेकी हो वो नेकी है, बाकियात सालिहात है। और एक रिवायत के मुताबिक ये जो हम ये सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये वो अल्फाज हैं कि जो बाकियात सालिहात में शुमार किए गए हैं। ये बाकियात सालिहात है। फरमाया अब दोनों गिरोह का जिक्र कर दिया अल्लाह ताला ने कि कौन सा किस गिरोह पे, कौन सा गिरोह किस चीज़ पे फूल रहा है, किस चीज़ पे अकड़ रहा है, किस चीज़ को उसने अपना सहारा बनाया हुआ है। जाहिर सी बात है आपके सामने है, जो लिबरल है, जो दीन से बेजार है, लेकिन दीन का नाम लेना उनकी मजबूरी है, तो उन लोगों ने
अपने माल को, अपने सोर्स को, अपने फोर्स ही को सब कुछ समझ रखा, इस दुनिया की जीनत ही को सब कुछ समझ रखा। और इसके मुकाबले में जो ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन हैं, जो नामूस रिसालत के पहरेदार हैं, उन लोगों ने नेक कामों को, बाकियात और सालेहात को ही सब कुछ समझ रखा है।